अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो है एक्सपायर्ड वेब 2.0 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक्सपायर्ड डोमेन्स फाइंड कर सकते हो जो स्पेसिफिकली वेब 2.0। तो ये सारे वेब 2.0 प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें सबसे जो फेमस है वो ब्लॉग स्पॉट है, टम्बलर है, वेब्स, वीबली और वर्डप्रेस। तो चलें इसके साथ करते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी नीच के रिलेटेड कीवर्ड्स लिखने हैं जिनके रिलेटेड आप फाइंड करना चाहते हैं। तो ये इस तरह वर्क करता है, ये गूगल के अंदर सर्च करता है, फिर उन सारे लिंक्स को स्क्रैप करता है और स्क्रैप करने के बाद ये दोबारा उनको चेक करता है कि कौन सी उनमें से नॉट फाउंड है और कौन सी अवेलेबल है। तो अगर आपने नीच के बगैर नहीं फाइंड करने तो आप यहाँ पर नो नीच पर क्लिक करें, स्टार्ट सर्चिंग। तो स्टार्ट सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी बहुत टेस्टिंग करेगा। पहले ये टूल मोज DAPA दिखाते थे, लेकिन अब ये असल में नहीं दिखाते क्योंकि इसकी वजह ये है कि मोज ने अब फ्री API बंद कर दी है। तो आप ये देख सकते हैं ये सारे एक्सपायर्ड हैं। अब इनमें से कोई भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ तो ये 404, ये एक वक्त में पहले इंडेक्स थे, तो अब ये डी इंडेक्स हो चुके हैं। तो मैं ऑनलाइन ओपन कर लूँगा बल्क DAPA चेकर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसने फाइंड कर लिया। अब मैं इन्हें स्टॉप करूँगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा और ये डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएंगे। अब यहाँ से बल्क ओपन करके तो इस रिजल्ट को ओपन करेंगे। जैसे 10 सेलेक्ट कर लें, इन्हें यहाँ पे पेस्ट कर दें तो इनकी ज़रूरत नहीं। अब सबमिट कर दें तो ये आपको फाइंड कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 11DA वाला मिल गया। इस तरह काफ़ी अच्छे DA वाले भी इनमें से होंगे, ये 7। तो ये तो नॉन नीच स्पेसिफिक हैं। अब दूसरे ट्राई करते हैं नीट के साथ। अब मैं जाऊंगा गूगल या ओबर अबर सजेस्ट में, यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिखता हूँ जो नीच के रेलिवेंट है, ऐसे स्टीम, ओके, हेल्थ लिखता हूँ, हेल्थ के रिलेटेड अगर फाइंड करना है तो। अगर नीच स्पेसिफिक ढूंढने हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ से कॉपी करूँगा इसके अंदर, इस तरह कीवर्ड्स की लिस्ट आप इसके अंदर एंटर कर दें नीच रेलिवेंट फाइंड करने के लिए। अब स्टार्ट सर्चिंग क्लिक करूँगा तो ये अच्छा। तो ये आप देख सकते हैं ये सारी डोमेन्स जो हैं ये हेल्थ केयर रिलेटेड है। अब ये जो ऊपर कीवर्ड्स लिखे हैं ये इन्हें गूगल में सर्च करके तो उन्हें फिर आगे से स्क्रैप करके चेक करके देख रहा है जो जो हेल्थ के रिलेटेड है। तो उम्मीद है कि इसकी भी समझ आ गई होगी। अब किसी और पे ट्राई करते हैं। अब मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस नॉन ईच पे इसको पहले ट्राई करते हैं।
तो अब वर्डप्रेस में इसे दो डोमेन्स मिली हैं, अगर ये इसे 5-6 मिनट की ड्यूरेशन सॉरी 2-2.5 मिनट की ड्यूरेशन में दो मिल गई हैं। अगर आप नीच रेलिवेंट ढूंढना चाहते हैं तो नीच के कीवर्ड्स यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने उसमें किया था विक्स में। तो आप टम्बलर पे ट्राई करते हैं, तो अब इस पर स्टार्ट, ये मैं नो नीच कर रहा हूँ। असल में नीच रेलिवेंट जो हैं उन पे थोड़ा टाइम लगता है, तो वो मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिखा दिया, तो उम्मीद है कि आप दूसरों के लिए भी आराम से कर पाएंगे। आपको पहले कीवर्ड थोड़े तलाश करने पड़ेंगे और फिर उनको आप एंटर करके तो ओपन कर सकते हैं। टम्बलर और ब्लॉगस्पॉट दोनों नए टेल पे बैन हैं, तो इस वजह से ये मैं चेक नहीं कर पाऊँगा, सॉरी, वो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको प्रोसेस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप और ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं अलीम इकबाल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।